हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये हो रहे रात के 9:20। गाइस चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस, मैंने आज सुबह के ब्लॉग में बोला था, मतलब आज सुबह मतलब कल के ब्लॉग में, आज सुबह बनाया था मैंने ब्लॉग, शेड्यूल कर दिया है आज के लिए। ओके, अब शेड्यूल मतलब पोस्ट कर दिया था आज के लिए। ओके, मैंने ब्लॉग में बोला था मुझे कुछ ज़रूरी बोलना है। अब वो क्या है गाइस, मैं आपको कैसा बताऊँ, कॉलेज के रिगार्डिंग है मेरे। मेरे को बोलने में भी हंसी आ रही है, पर बोलना तो पड़ेगा इच। तो सुनिए गाइस, मैं ये बोलने जा रहा हूँ, कल जाना है अपने कॉलेज सेंट जोसेफ। मैं और मम्मी जाएंगे कल, अब भी जस्ट बैठ के डिस्कस किया वो सब मैं, मम्मी डैडी भैया जीजी ने। कल मेरी जाना है कॉलेज सेंट जोसेफ, बात करना है। मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूँ वही कॉलेज, नो होटल मैनेजमेंट, नो MET, नो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एक महीना हो गया है गाइस कॉलेज नहीं जाकर, अब जा रहा हूँ फाइनली कॉलेज। मतलब जाके कल बात करेंगे क्या है अभी एक महीने का, क्या हुआ, इतना क्या रहेगा आगे। कोर्स चेंज करना है तो कोर्स चेंज करेंगे कॉलेज में जाकर, BBA से BCOM या फिर क्या करना है वो तो जाकर मालूम पड़ेगा क्या करना है। वही मतलब कल मॉर्निंग सुबह उठ जाऊँगा मैं, कल एक दिन 6 o'clock जाएंगे गए जिम, क्योंकि कल सुबह पूजा है बारस की। आज मैं मंदिर गया था ना 11, कल बारस की पूजा है, तो 6 से लेकर 7:30 तक जाना पड़ेगा। आके जल्दी नहाकर पूजा है, फिर पूजा होके पूजा होने के बाद जाएंगे मैं और मम्मी, अराउंड 9:30 या 10 तक निकलेंगे कॉलेज के लिए। उधर जाकर बात करेंगे वगैरह वगैरह क्या रहेगा सब कुछ। बात करने के बाद जो भी बोलेंगे वो लोग, अगर कोर्स चेंज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो BBA ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ओके, अब एक महीने के नोट्स वोट्स फुल दबा के गाइस, और पता भी नहीं व्लॉग्स और गेमिंग वीडियोस का क्या होगा। नहीं, व्लॉग्स तो डालूँगा मैं डेली, गेमिंग वीडियो थोड़े बैकअप अभी बना, कल ही बना देना पड़ेगा और शेड्यूल कर देना पड़ेगा एक 5-10 दिन के लिए, क्योंकि मैं दुकान भी नहीं जाऊँगा ये 5-10 दिन। नोट्स रहेंगे ना बहुत सारे, इसीलिए एक महीना गाइस, एक महीना नहीं गया मैं तो कॉलेज से डायरेक्ट टैली करके टैली क्लास से जाना पड़ेगा गाइस, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। 3 से 4 टैली क्लास रहेगी। अब 1 बजे कॉलेज छूटेंगे, मैं क्या करूँ 1 घंटा, फिर देखेंगे। अगर हुआ तो 2 से लेकर 3 चले जाऊँगा मैं, उधर जाके बात करूँगा मैं सर से, 2 से 3 ले लेंगे तो ठीक। फिर टैली क्लास आने के बाद डायरेक्ट घर आऊँगा गाइस, घर आते के बिना टाइम वेस्ट किए खाना खा के पूरे नोट्स कंप्लीट करने बैठूँगा। रोज़ 5-10 दिन तक यही रहेगा, क्योंकि एक महीना नहीं गया, कितने नोट्स दिखा दिए कहीं की सच्ची में, तो कल ही मालूम पड़ेगा, कल ही मालूम पड़ेगा अब क्या होगा। अभी मुझे बैठ के समझा रहे थे अच्छे से, अब मैं भी गाइस जरा मूड में था, मान गया गाइस 1 साल वेस्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के लिए तो मान नहीं रहे, और नेक्स्ट ईयर भी अगर कॉलेज ज्वाइन करता था मैं तो होटल मैनेजमेंट ही लेता था। गाइस अच्छी एक बात बताओ, होटल मैनेजमेंट के लिए मान गए थे स्टार्टिंग में, मतलब कब, मेरे बर्थडे से पहले कब किया था मैंने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर, मार्च या अप्रैल में किया था, IIHM देख के आए थे ना हम लोग, जब ही मान गए थे पेरेंट्स होटल मैनेजमेंट के लिए। फिर बाद में मैं ही पागलों की तरह BBA बुक करने लग गया, इसलिए BBA में मुझे डाल दिया गया, वरना अब मैं IIHM में होता था गाइस होटल मैनेजमेंट। क्या से क्या हो गया बेवफा, ड्रीम था गाइस एक होटल खोलने का, अब क्या पता। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, हो गया अब 2 दिन का ये ऐसे ब्लॉग था, अब कल से रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। ओके, और आप लोग रुकते जाइए, 4 डेज में एक अचीवमेंट है, जो मैंने थोड़े दिन पहले बोला था ना एक अचीवमेंट, 100 डेज 100 गेमिंग वीडियोस।
एक्चुअली मेरा लाइव स्ट्रीम का आज प्लान था गाइस, पर सडन मम्मी ने बोल दिया ना कॉलेज के लिए कल। और एक बात, कल सुबह जिम भी जल्दी जाना है, और अब जिम का कैसा टाइमिंग्स बदलना पड़ेगा, इवनिंग का या फिर मॉर्निंग का। इवनिंग में तो नहीं गाइस, मॉर्निंग के टाइमिंग्स बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं घर से निकलता हूँ 7:55 को कॉलेज के लिए। अगर मैं 8 बजे भी निकला, 8 बजे भी अगर मैं निकला कॉलेज के लिए तो ठीक रहेगा। तो 6 o'clock से लेके 7:30 तक जिम, जल्दी आके नहाना वगैरह, बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मुझे इतना ही बोलना था। परसों से मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गए। चलिए, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करना, एंड चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।